मम्मी वैसे ही बहुत टूटी हुई हैं और टूट जाएंगी, पापा के जाने का इतना गम है। रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा, मैं पैरों में गिर जाऊंगी उसके, वापस आ जाए वो। मेरा नहीं मन लगता, मैं पागल हो जाऊंगी धीरे धीरे। एक तू ही है दौलत मेरी। प्रणाम। खुश रहो। क्या चाह रही हो? फिर वही बात, मुझे अगर तुम्हें जान यही बात करने के लिए बुलाया होगा और बात ही क्या करनी होगी तुम लोग। अगर तुम्हें जाना है ना, कोई एक टॉपिक देख ले तो बस उसी पे तुम लोग बात किया क्यों ऐसा? कभी भी कोई भी गलत कदम उठाते समय मम्मी का चेहरा सामने नहीं आता, दीदी का चेहरा सामने नहीं आता, या मेरा नहीं आता। क्या कमी करते हैं हम तुम्हारे लिए? क्या कर दिया या उस लड़के ने ऐसा तुम्हारे लिए जो तुम हमें भूल गई हो? आता है यार सबका चेहरा। फिर क्यों उसके आगे ड्रामा कर रही हो? क्यों दिखा रही हो उसको कि नहीं रह सकती उसके बिना? आ जाएगा वो वापस। नहीं रह सकती ना, इसलिए तो बता रही हूँ। क्या पता मेरे ना रहने से उसे पता चल के वो वापस आ जाए। जितना तुम कर रही हो ना, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों से, और मजे ले रहा है वो कि तुम नहीं रह पाओगी। क्या करूं फिर ये बताओ, मेरा नहीं दिल लग रहा यार, नहीं मन मान रहा, पागल हो जाऊंगी ऐसे तो मैं। दिन ब दिन मेरा दिमाग और बेकार रहने लग गया, तुम बताओ मैं क्या करूं? बताओ एक बार, जो तुम बोल रहे हो मैं वही करूंगी, पर उसे मेरे पास वापस ला दो। उसे वापस लाने की गारंटी मैं नहीं ले सकती, ठीक है? उसका दिमाग खुद खराब हुआ है जो वो कर रहा है ये सब। तुम्हें क्या मिल रहा है तुम ये बताओ? निशा देखो मेरी बात सुनो, पापा के जाने के बाद कोई नहीं है, अगर हमारा कोई भाई भी होता ना तो समझ में आ जाता, हमें ही करना है जो करना है अपनी मम्मी के लिए। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कुछ सपने मैंने भी देखे हैं, कुछ सपने मम्मी ने भी देखे, साथ में जो सपने देखे उन्हें पूरा करना है हमें। मैं क्या करूँ, मैं कर क्या रही हूँ? मैं उनसे ये मान लो एक उससे अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ कि बस मेरे। कभी ना प्यार भीख में नहीं मिलता, अगर उसे प्यार होता ना तो वो जाता ही नहीं। कुछ टाइम पहले तुम्हें भी पता है वो मेरे से कितना प्यार करता था, तुम खुद ही बताओ। वो रह पाता था मेरे बिना, हमारी कभी लड़ाई भी हो जाती थी तो मैं गुस्सा हो जाती थी, मैं दो दो दिन बात नहीं करती थी, पर उसका फोन आता रहता। तो क्यों हो रहा है ये सब? नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई। कुछ खुद होता है और निशा कुछ खुदा कराता है। देखो एक टाइम ऐसा था वो मर रहा था मेरे लिए, जरा सी लड़ाई पे वो कहता था अच्छा ठीक है चल गलती मेरी, अब माफ कर, बात कर ले यार तेरे बिना मन नहीं। निशा हमारे पापा हमें छोड़ कर गए, क्या हम जीना भूल गए? उन्होंने दुनिया छोड़ी है, उसने तो सिर्फ तुम्हें छोड़ा है। इस चीज़ का बुरा नहीं है वो मेरे को छोड़ के चला गया, वो सिमरन के साथ क्यों रह रहा है? वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, वो उसे बर्बाद कर देगी, मैं उसे कैसे समझूं? वो बर्बाद होना चाह रहा है तो तुम क्यों उसे पीछे पड़ रही हो? उसे अभी भी मैं समझा रही हूँ कि देखो तुम समझ जाओ, सिमरन अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। वो कह रहे हैं वो सिमरन से शादी करेंगे, सिमरन कभी उनसे शादी नहीं करेगी, वो एक लड़के पर नहीं टिक सकती, उसका बैकग्राउंड पूरा जान चुकी हूँ मैं। ये बात उसे समझ में आ रही है? मैं क्या करूँ? तुम मुझे समझा रही हो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ सिमरन कैसी लड़की है। निशा पर तुम प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज यार मत करो ये सब, तुम मत करो, क्या मिलेगा ये करके? उसे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम्हारे रहने से ना रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी हालत देख रही हो, मेरा कुछ मन नहीं करता। तुम्हारी वजह से हम लोगों की हालत देख रही हो? तुम सबसे छोटी हो तुम घर में, मम्मी ने कितने नाजों से पाला है तुम्हें। डैडी चले गए, उसके बाद सहारा था एक, वो उसने भी साथ छोड़ दिया, सोचा था जिंदगी भर साथ देगा वो, मेरा कोई भी परेशानी आएगी मेरे से बोलता हर सुख दुख में नीचू तेरे साथ खड़ा हूँ मैं, कोई भी परेशानी होगी मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं बोलती थी ना मेरे को तुम छोड़ोगे तो नहीं, पागल है क्या? अब तो तुझे शादी करके ही छोड़ूंगा मैं। जो इंसान मेरे लिए इतना वो करता था कि हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं सब चीज़ हैंडल कर लूँगा, मैंने कहा जॉब भी करूँगा, तू बस मेरा साथ दियो, मैं सब कुछ कर लूँगा, आज वो इंसान मुझसे ज़रा सा प्यार नहीं करता। तो तुम क्या चाहती हो? तुम उसके साथ उसके रंग में रंगना चाहती हो? मैं उसे वापस से ठीक कर देना चाहती हूँ। वो नहीं होएगा निशा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मत ऐसे करो, पागल मत बनो उसके पीछे। मैं क्या करूँ फिर तुम बताओ ना। तुमने जो हरकत की है उससे पता है मम्मी को कैसा लगा है? तुम्हें पता है सारी वीडियोज़ देखती हैं मम्मी, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब कर कर आई हूँ मम्मी के फोन से। मत करो बहन प्लीज।
मेरे को प्यार में इतनी ताकत। अनुराग ज्यादा प्यार करता है या मम्मी? मम्मी। और तुम अनुराग से ज्यादा प्यार करती हो या मम्मी से? मम्मी से। तो फिर मम्मी पास है ना? देखो बहन, मेरी बड़ी बहन, मम्मी अपनी जगह है, अनुराग अपनी जगह है, हर किसी की जगह। निशा, अगर उसको आना होगा ना, वो खुद आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ, देखो बहन, प्यार में इतनी ताकत होती है, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर मैं उनको प्यार से मनाऊंगी तो वो सब मान जाएगा। तुम्हें लगता है वो मान रहा है? कितनी बार कोशिश कर चुकी हो तुम, नहीं मानेगा निशा। वो पैसों की खुशबू का इतना भूत सवार हो गया उसके सर पे, वो नहीं सुनेगा कुछ भी। और तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं उस टाइम भी ये बात कह रही थी, मुझे उससे ज्यादा अच्छा नहीं, मुझे वही चाहिए। निशा देखो, एक रिलेशनशिप होता है थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जिसमें सब कुछ हो जाता है, तो वो रिलेशन नहीं छोड़ा जाता। तुम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी आंखों के आगे हो तुम लोग, कब से 4 साल हुए ना तुमको। देखो मैं बहन, मैं ये नहीं कह रही, एक सच्चा प्यार जो होता है ना, वो मैं मानती हूँ तुम्हें अटैचमेंट हो गई है उससे, नहीं रह पाती उससे बात करना, उसके साथ रहना, उसे देखना, उसकी खुशबू सब तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन तुम मत करो ऐसा। कहती हो ना, जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगी, तो फिर घर में रहा करो, मत किया करो, पूछ के जाओ जहाँ जाना है। तुमने ये ड्रामा बना रखा है, टीम में नहीं रहना यार। वो मेरे पास वापस नहीं आएगा क्या? मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? मुझसे नहीं रहा जाता। ऐसा थोड़ा ही ना होता है निशा। मेरा नहीं मन लगता, मैं पागल हो जाऊंगी धीरे धीरे। रो मत, रो मत निशा प्लीज। नहीं मन लगता मेरा बिल्कुल। हम हैं ना निशा, बताओ कैसे कोशिश करूं? उससे एक बार बात कर लो, बोल लो मैं पैरों में गिर जाऊंगी, उसके वापस आ जाए वो। मैं गिर जाऊं बहन, तुम लोग क्यों करोगे मेरे लिए? तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर देंगे? मैंने उसके हाथ पैर सब जोड़ कर दिए। निशा तुम्हें पता है पैसे में कितनी ताकत होती है? उसे पैसा चाहिए, मैं उसको पैसा देने के लिए तैयार हूं। तुम कहां से लाओगी पैसे? तुम पैसे कहां से लाओगी? तुम भी इतनी स्ट्रांग बनो, पैसा कमाओ कि वो खुद आए, खुद इन कदमों में गिर के बोले कि मुझसे गलती हुई है निशा। पर तुम एक बात सोचो, ठीक है मैं पैसा कमाने लग गई, मेरा अच्छा सब नाम फेम बन गया, उसके बाद फिर वो मेरे पास वापस आएगा? कोई गारंटी है आगे को मेरा, मेरे पे पैसा खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? तो गारंटी तो देखो किसी चीज़ की नहीं होती। अनुराग की गारंटी थी कि वो तुम्हें छोड़ के जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सोचा। तो फिर निशा जो कराते हैं भगवान कराते हैं, ठीक है? और भगवान कभी किसी का गलत नहीं सोचते, और हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ कभी भी कुछ गलत नहीं कराएंगे। तुम सब्र रखो बस, मत करो बहन प्लीज़। मम्मी वैसे ही बहुत टूटी हुई हैं और टूट जाएंगी, पापा के जाने का इतना गम है। चुप रहो बहन, चुप रहो, मैं नहीं करूँगी, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूँगी। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, मैं तुमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। तो मत करो प्लीज़, उसको मत दिखाओ तुम उससे प्यार करती हो। ठीक है बहन, मैं आज के बाद ऐसा करूँ। हमसे पूछ के जाओ जो करना है, हम बड़े हैं ना तुम्हारे आगे। तुमने बोल दिया ना, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी जैसा तुम बोलो। जितना बोला उतना करो, और अकेले बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर चलो।